What's up people, a very good morning to you all and welcome back to my channel. और आज का दिन होने वाला है लेजी डे, क्योंकि दो चार दिक्कतें हैं, बताता हूँ एक के बाद एक के बाद एक. अभी बजे है 10:15 और रूम की हालत गंदी है. हम अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए हैं नई नई चीज़ें देखने और सीखने के लिए जो वीडियो एडिटिंग में काम आती है. और अभी पहली दिक्कत बताता हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, राइट? तो वो क्या हुआ था, जब हम लोग रातू घर आ रहे थे, जो सूरत के लिए हमने टर्न लिया, उसके बाद हुई थी ये दिक्कत, बराबर? पर वो तब मैंने शूट नहीं किया था, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने शूट किया था कि क्या दिक्कत हुई है, राइट? तो पहले आप वो देखो क्या दिक्कत हुई है, फिर वापस से मिलता हूँ आपको. मैंने कहा था ना आपको कि एक कांड हो गया था रात को यहाँ से इसके स्क्रू निकल गए थे साइलेंसर के, तो ऐसे बांध के हम लोग लेके आए थे. सो इट्स ऑल डन अगेन गाइस, परफेक्टली फाइन. सिर्फ स्क्रू निकल गए थे यहाँ से, जो भैया ने तुरंत ही लगा दिए. तो देख लिया आपने, ये जो साइलेंसर था वो निकल गया था मेरा. सुबह जाके फिट करवाया, रात को इतना थक गया था मैं क्योंकि रोड इतने खराब थे, इसलिए तब शूट किया ही नहीं. और ये चक्कर में किसको कैसे निपटा है, राइट, वो भी समझ नहीं आता. फिर आजू बाजू के लोगों से थोड़ा बहुत रस्सी लिया, कुछ तार लिए, जैसे तैसे करके बांधा और फिर हम इसको लेके आए. और इसकी फायरिंग की जो आवाज़ थी ना, फट 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 फट, बहुत लाउड, मतलब बहुत लाउड, विदाउट साइलेंसर, मतलब बुलेट चलाना मतलब सिर दर्द होता है वैसा आला. और अभी दूसरी दिक्कत, वो तो मेरे भाई की बाइक थी, सिर्फ साइलेंसर का प्रॉब्लम था, हो गया, रिपेयर भी हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट. अभी दूसरी दिक्कत, अभी जैसे मैं ये वीक में चल रहा था तो पहले छोटा सा इशू आया, मेरी आगे का जो टायर रहता ना मेरी बाइक का, पल्सर का, उसमें से छोटा छोटा कुछ आवाज़ आना स्टार्ट हुआ. अभी दो तीन दिन चला मैं, ठीक है कोई बात नहीं, रूटीन में आ जाएगा. आई थिंक कुछ ऑयलिंग का इशू, राइट, ऑयलिंग में इशू था. तो मैं गया सर्विस सेंटर और वहाँ पे दिखाया, भाई ने एक राउंड मारा और बताया मुझे लंबा चौड़ा लिस्ट कि आपकी बाइक में क्या क्या दिक्कतें हैं. तो एक चीज़ थी, गियर बॉक्स ख़राब था, गियर नहीं पड़ रहे थे बराबर, नहीं गिर रहे थे बराबर, राइट. दूसरा चेन चक्कर का इशू था, दूसरा ऑयल का इशू था, दूसरा जो आगे का टायर है उसमें इशू था, फिर जो क्लच वायर रहता है उसका लीवर का इशू था. ऐसे करके उसने 10-15 चीज़ें बताई और मोटा खर्चा बताया, पल्सर के हिसाब से मोटा खर्चा कितना हो सकता है, 8,000 रुपये उसने मुझे बताया, राइट. मैंने उसको पूछा एक और चीज़ कि नीचे सस्पेंशन गाड़ी बहुत लो हो गई, हर एक बम पे लग, बोलता सस्पेंशन चेंज करो. तो सस्पेंशन कितने के आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 के आ जाएंगे इसका, पर इसका एक ही 1200 रुपये का है, तो 200 मिला के 2400 ये हो गया. तो मुझे शायद से अराउंड 10,000 समथिंग का खर्चा आने वाला है ये बाइक में, और उसके बाद भी पता नहीं कि ये हाईवे पे चल पाएगी या नहीं. दिक्कत अभी ये है, करवा तो दिया, दे तो दी सर्विस सेंटर, पर अभी पता नहीं हाईवे राइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मोटो व्लॉग हो पाएगा नहीं हो पाएगा. जब वो बाइक आएगी तभी आपको बताएंगे हम. अभी तो वीडियो चल रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या क्या एडिट करना है, किस हिसाब से एडिट करना है, कैसे साउंड आता है और सब चीज़ें. कोई आया लगता है, दरवाज़ा खोल के मिलता हूँ. सो एक मिनट यार, पंखा बंद कर देते वरना आवाज़ नहीं आती. हाँ तो हम कहाँ थे, ये सब दिक्कतें हो रही है मेरे साथ बाइक में और सब में. अभी देखते हैं आगे मोटो व्लॉग कैसे होगा, क्या होगा, किस हिसाब से होगा, पता नहीं. आज का दिन का कोई शेड्यूल है नहीं, लेजी डे है. अभी पड़े हैं यहाँ पे तो पड़े रहेंगे, पता नहीं कितने बजे तक निकलेंगे यहाँ से, घर से बाहर, क्योंकि करने को कुछ है नहीं. देखते शाम को निकलेंगे, क्योंकि अभी तो धूप है, मुझे धूप ज़रा भी नहीं पसंद, उसमें फिर चिपचिपा होता है, मज़ा नहीं आती. शाम को निकलेंगे, थोड़ा सा डुमस साइड जाएंगे, आपको को भी डुमस नहीं दिखाया क्यों माना, बहुत बार आगे जाने की ट्राई की थी पर पुलिस वाला ने रोक दिया था, तब डुमस बंद था कोविड की वजह से, पर अभी खुल गया है. तो देखते हैं, अगर शाम का प्लान बनता है ना तो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है.
तो अभी अभी निकल गया हूँ एक काम के लिए। मैं अपने बंगलो साइड जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम आता रहता है, वहीं जा रहे हैं, तो सीधा वहीं पे मिलता हूँ अभी। सो ये है कुछ हमारा बंगलो, हाँ जो काम था निपट गया है। निकल के अपने घर के साइड हम वापस से बाहर से दिखाते तो हम बाहर से आपको नहीं दिखाए ना। हाँ सो गाइस, वहाँ से तो हम निकल गए हैं। हाँ भाई तू बजा ले पहले, हॉर्न बजाने की बहुत जरूरत है, खुला रास्ता है देखो, पर हॉर्न बजा के जाएंगे, डिस्टर्ब करना है सबको। तो अभी जा रहा हूँ नाश्ता लेने यार रास्ते में व्लॉग नहीं हो पाएगा जब मैं बना रहा हूँ तो देख रहे सब यार ओ भाई, तो अभी जा रहा हूँ नाश्ता लेने, बहुत भूख लगी है। संडे हमारे ना किचन बंद रहता है तो बाहर से ही नाश्ता करना पड़ता है, तो अभी देखते हैं क्या खाया क्या नहीं। समोसे और कचौरी खाने की इच्छा है, तो देखता हूँ अभी वो खुला रहेगा और अवेलेबल रहेगा तो वो लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और वहाँ की वो बहुत फेमस आइटम है। सो गाइस हियर वी आर एट आगरा स्वीट्स, देखिए चलते हैं आपको अंदर। बोलिए जी क्या नाम है आपका? नितेंद्र सिंह। अगर आगरा स्वीट्स आ रहे हो तो इनसे जरूर मिलिएगा, बराबर कि नहीं? बराबर। तो यहाँ पे इनकी जलेबियाँ बनती है फ्रेश। उसके भैया तो वहाँ सुलक्ष्मी में रहते हैं ना, वो भी जानते हैं। वो भैया? हाँ। इनसे बड़े? हाँ। जानते हैं अच्छी तरह से। मैं दिख रहा हूँ इसमें। चलो अपने दोनों साथ में आते हैं, ठीक है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और टाकी। ठाकुर। बराबर। अब आ रहे हो अंदर, कुछ बोलना है आपको? हाँ क्या बोलोगे? आको आको क्या होता है? पोयम आती, पोयम आती है। ऐसा नहीं करना, पोयम बोलो। ऐसे आउ आउ थोड़ी ना, तो वो ये कौन सी पोयम है? क्या मस्ती नहीं, पहले पोयम बोलो। ये तो एबीसीडी पोयम। ए भगवान का क्या फ्यूचर होने वाला है। ए भगवान जी मराठी गाना आता है? कोई गाना आता है? अंगू अंगू। सो गाइस फाइनली नाश्ता वाश्ता करके हो गया, मज़ा आ गई। जो अभी आपने देखा था वो कचौरी थी, और ये कचौरी की स्पेशलिटी क्या है पता है पूरे सूरत में? कि इसके साथ ना ये लोग आलू की सब्जी देते हैं, राइट? तो आलू की सब्जी जब मैं ये घर पे लाता हूँ, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते कचौरी को, आलू की सब्जी डाली, थोड़ा सा दही डाला, और उनकी जो मीठी वो इमली वाली चटनी रहती ना, वो मज़ा आ जाती फिर खाने में, और साथ में जलेबी हो तो फिर क्या बात है भाई। और वो भाई भी हमको बोल रहे थे कि जो हमें दे रहे थे कि भाई हमको भी वीडियो में ले लो, तो उनको भी हमने ऐड कर दिया और मज़ा आ गई उन लोग को भी देख के। यार कुछ अलग ही ऐसा फील होता है उन लोग को भी जब कैमरा हाथ में होता है ना, तो वो लोग हमेशा पूछते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि सूरत के लिए अभी भी व्लॉगिंग इतना नया है, लोग इतना व्लॉगिंग नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखते ज़्यादा, पर अभी धीरे धीरे वो कल्चर आएगा यहाँ पर भी। मुंबई में तो क्या है हर एक जगह पर व्लॉगिंग चलता है इस वजह से, तो अभी धीरे धीरे हम यहाँ भी लाएंगे। और अभी बजे है कितने, सिर्फ 12:15 हुआ है यार, कितने सारे काम ख़त्म कर लिए हमने, बंगलो पे हुआ है और नाश्ता वाश्ता कर लिया, मज़ा आ गई। अभी एक और प्लान बन रहा है छोटा सा, देखते अगर कंफर्म हो गया तो बताएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। अभी ये वीडियो चल रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। सो गाइस अभी जो मैंने आपको बताया था, हम लोग जा रहे एक गाड़ी देखने सेकंड हैंड i10 करके है, राइट? और बारडोली जा रहे यहाँ से,
वहाँ पे एक सेलर का फ़ोन आया था हमें कि भाई बारडोली में है, आके एक बार देख जाओ। और एक हमने यहाँ पे देखी थी वराचा साइड में भी, तो अगर आपके भी ध्यान में कोई हो I-10 और सूरत नहीं है भाई तो बताइए, कमेंट कीजिए या तो फिर DM कीजिए मुझे, राइट, क्योंकि हमें बाई करनी है और यही कैटेगरी की गाड़ी हमें लेनी है छोटी वाली, क्योंकि एक ये बड़ी वाली तो है, राइट, तो एक छोटी गाड़ी चाहिए थी हमें। निकलते हैं यहाँ से, राइट, पापा लोग आ रहे हैं, अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं, सीधा वहीं पे मिलते हैं, ओके। सो पीपल, हम लोग गए थे गाड़ी देखने, देख के आ भी गए, फाइनल भी हो गई, पर मैं वहाँ पे कैमरा निकालना ही भूल गया है। अभी देखते हैं उसकी प्रोसीजर कैसे करनी है, कैसे अपने नाम पे और सब करवाना है। और अभी बजे है 2:30, थोड़ी देर सोते और शाम को मिलता है। मुझे लगा था कि ये मैं समझो कि 4-5 मिनट का व्लॉग बनाऊंगा सुबह ऐसे ही टाइम पास के लिए और फिर बंद कर देंगे, पर ये तो पूरे दिन चल रहा है और अच्छा जा रहा है व्लॉग। आई होप आपको भी मज़ा आ रही हो थोड़ी बहुत, तो बने रहो, शाम को और घूमने जाएंगे तब आपको और दिखाएंगे सूरत, ठीक है, मिलते शाम को एक नैप के बाद। सो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, और अभी बजे है 6:40, राइट, और अभी कोई मूड बन नहीं रहा है बाहर जाने का, खंडाल आ रहा है क्योंकि दोस्तों को फ़ोन किया, वो सब अभी डिनर करके मिलेंगे रात को लेट, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया है तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको किसी और व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ऐसे ही व्लॉग आने वाला है क्योंकि मेरी बाइक की सर्विस में उसको लग जाएगा 1 हफ्ता। अगर उससे पहले आ जाती है तो आपको बता दूंगा उसकी कंडीशन जब उसको हम लोग लेने जाएंगे सर्विस स्टेशन से, राइट। और दूसरा कि अभी आई डोंट नो कि ये रिपेयरिंग के बाद मोटो व्लॉग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या क्या है क्या नहीं, तो थोड़े टाइम तक ऐसे ही डेली व्लॉग्स आते रहेंगे हमारे छोटे छोटे। अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ क्योंकि मैं तो स्किप मैं भूल जाता हूँ डेली व्लॉग्स में क्या बोलना है, कब कब शूट करना है। अभी जैसे मैं गाड़ी देखने गया था तो पूरा पार्ट मैंने शूट ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, हम लोग टेस्ट ड्राइव की, मम्मी ने चलाई, मैंने चलाई, सब देख लिया कैसी है गाड़ी, सब है तो भूल गया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी है भाई, भूलते रहते हैं हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ है, तो उसकी भी थोड़ी सी हैबिट डालनी है आपको और मुझे भी कि मैं प्रॉपरली व्लॉग कर सकूं, ओके। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम। बाय बाय।